हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जो हम बच्चों को अपने महान राष्ट्र तथा भारतीय होने के गौरव के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं, तो उनके उद्गारों में हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। हमें ये अनुभव होता है कि हम उस परंपरा का हिस्सा है जो स्वाधीनता सेनानियों के सपनों और उन भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं को एक कड़ी में पिरोते हैं, जो आने वाले वर्षों में हमारे राष्ट्र को अपना संपूर्ण गौरव पुनः प्राप्त करते हुए देखेंगे। इतिहास की इस श्रृंखला की एक कड़ी होने का बोध हमारे अंदर विनम्रता का संचार करता है। ये बोध हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब हमारा देश विदेशी शासन के अधीन था। राष्ट्रभक्ति और वीरता से ओतप्रोत देश प्रेमियों ने अनेक जख्म उठाए और सर्वोच्च बलिदान दिए। हम उनकी पावन स्मृति को नमन करते हैं। उनके अथक प्रयासों के बल पर भारत की आत्मा सदियों की नींद से जाग उठी, अंतरधारा के रूप में सदैव विद्यमान रही। हमारी विभिन्न परंपराओं और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों ने नई अभिव्यक्ति प्रदान की। मार्गदर्शक नक्षत्रों की तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वाधीनता संग्राम की विभिन्न परंपराओं और उनकी विविध अभिव्यक्तियों को एकजुट किया। साथ ही सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब अम्बेडकर तथा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक महान जननायक भी सक्रिय थे। ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसमें सभी समुदायों ने भाग लिया। आदिवासियों में तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, लक्ष्मण नायक और फूलो जानो जैसे कई अन्य लोग थे जिनके बलिदान की आप सराहना हो रही है। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। अगले वर्ष उनकी 150वीं जयंती का उत्सव राष्ट्रीय पुनर्जागरण में उनके योगदान को और अधिक गहराई से सम्मान देने का अवसर होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 14 अगस्त को हमारे देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। ये विभाजन की भयावहता को याद करने का दिन है। जब हमारे महान राष्ट्रों का विभाजन हुआ, तब लाखों लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ा। लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्वतंत्रता दिवस मनाने से एक दिन पहले हम उस अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी को याद करते हैं और उन परिवारों के साथ एकजुट होकर खड़े होते हैं जो छिन्न भिन्न कर दिए गए थे। हम अपने संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारी नव स्वाधीन राष्ट्र की यात्रा में गंभीर बाधाएं आई है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के संवैधानिक आदर्शों पर दृढ़ रहते हुए हम इस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत विश्व पटल पर अपना गौरवशाली स्थान पुनः प्राप्त करे। इस वर्ष हमारे देश में आम चुनाव हुए। कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ थी, जो एक ऐतिहासिक कीर्तिमान है। मानव समुदाय इतिहास की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया का साक्षी बने। इस तरह के विशाल आयोजन के सुचारू और त्रुटि रहित संचालन के लिए भारत का निर्वाचन आयोग बधाई के योग्य है। मैं उन सभी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने भीषण गर्मी का सामना करते हुए मतदाताओं की मदद की। इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करना वस्तुतः लोकतंत्र की विचारधारा का प्रबल समर्थन है। भारत द्वारा सफलतापूर्वक चुनाव आयोजित करने से पूरे विश्व में लोकतांत्रिक शक्तियों को ताकत मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के बीच 8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इससे न केवल देशवासियों के हाथों में अधिक पैसा आया है, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की
संख्या में भी भारी कमी आई है। जो लोग अभी भी गरीबी से पीड़ित है, उनकी सहायता करने के साथ साथ उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए COVID-19 के शुरुआती चरण में आरंभ की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग हाल ही में गरीबी से बाहर आए हैं उन्हें पुनः गरीबी में जाने से रोका जा सके। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम शीघ्र ही विश्व की 3 शीर्षस्थ अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार है। ये सफलता किसानों और श्रमिकों की अथक मेहनत, नीति निर्माताओं और उद्यमियों की दूरगामी सोच तथा देश के दूरदर्शी नेतृत्व के बल पर ही संभव हो सके है। हमारे अन्नदाता किसानों ने उम्मीदों से बेहतर कृषि उत्पादन सुनिश्चित किया है। ऐसा करके उन्होंने भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और हमारे देशवासियों को भोजन उपलब्ध कराने में अमूल्य योगदान दिया है। हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ावा मिला है। सुविचारित योजनाओं एवं प्रभावी कार्यान्वयन ने सड़कों और राजमार्गों, रेलवे और बंदरगाहों का जाल बिछाने में मदद की है। भावी प्रौद्योगिकी की अद्भुत क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है। साथ ही स्टार्टअप्स के लिए एक आदर्श इकोसिस्टम भी बनाया है, जिससे उनके विकास को गति मिलेगी। इससे निवेशकों में भारत के प्रति आकर्षण और अधिक बढ़ गया है। बढ़ती हुई पारदर्शिता के साथ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। इन सभी बदलाव में अगले दौर के आर्थिक सुधारों और आर्थिक विकास के लिए मंच तैयार कर दिया है, जहां से भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तेज गति से हो रही न्यायपरक प्रगति के बल पर वैश्विक परिदृश्य में भारत का कद ऊंचा हुआ है। G20 की अपनी अध्यक्षता के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद भारत में ग्लोबल साउथ को मुखर अभिव्यक्ति देने वाले देश के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत बनाया है। भारत अपनी प्रभावशाली स्थिति का उपयोग विश्व शांति और समृद्धि के विस्तार हेतु करना चाहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों को भी सदैव याद रखना चाहिए। उन्होंने ठीक ही कहा था और मैं उन्हें उद्धृत करती हूँ, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। राजनीतिक लोकतंत्र की निरंतर प्रगति से सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में की गई प्रगति की पुष्टि होती है। समावेशी भावना हमारे सामाजिक जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। अपनी विविधताओं और बहुलताओं के साथ हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। समावेश के साधन के रूप में अफिर्मेटिव एक्शन को मजबूत किया जाना चाहिए। मैं दृढ़ता के साथ ये मानती हूँ कि भारत जैसे विशाल देश में कथित सामाजिक स्तरों के आधार पर कलहों को बढ़ावा देने वाले प्रवृत्तियों को खारिज करना होगा। सामाजिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य हाशियों के वर्गों के कल्याण के लिए अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण यानी PM सुरोज का उद्देश्य हाशिए पर के लोगों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन ने एक जन अभियान का रूप ले लिया है। इसके तहत विशेष रूप से
कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। नेशनल एक्शन फॉर मेकानाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते योजना के तहत यही सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी सफाई कर्मचारी को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के जखम भरे काम को हाथों से नहीं करना पड़ेगा। न्याय शब्दों के सबसे व्यापक अर्थ में अनेक सामाजिक आयाम सम्मानित है। उनमें से दो आयामों पर मैं विशेष रूप से जोर देना चाहूंगी। वे आयाम है स्त्री पुरुष के बीच न्यायपूर्ण समानता तथा क्लाइमेट जस्टिस। हमारे समाज में महिलाओं को केवल समानता का ही नहीं बल्कि समानता से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। हालांकि उन्हें परंपरागत पूर्वाग्रह का कष्ट भी झेलना पड़ा है, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सरकार ने महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समान महत्व दिया है। पिछले दशक में इस उद्देश्य के लिए बजट प्रावधान में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। श्रम बल में उनकी भागीदारी बढ़ी है। इस संदर्भ में जन्म के समय बेटियों के अनुपात में हुई उल्लेखनीय सुधार को सबसे उत्साहजनक विकास कहा जा सकता है। महिलाओं को केंद्र में रखते हुए सरकार द्वारा अनेक विशेष योजनाएं भी लागू की गई है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। जलवायु परिवर्तन एक यथार्थ का रूप ले चुका है। विकासशील देशों के लिए अपने आर्थिक प्रतिमानों को बदलना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। फिर भी हमने उस दिशा में आशा से अधिक प्रगति की है। ग्लोबल वार्मिंग के सबसे गंभीर कुप्रभावों से पृथ्वी को बचाने के लिए मानव समुदाय द्वारा किए जा रहे संघर्षों में अग्रणी भूमिका निभाने पर भारत का गर्व है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने जीवन शैली में छोटे छोटे किंतु प्रभावी बदलाव करें तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। न्याय के संदर्भ में मैं ये भी उल्लेख करना चाहती हूँ कि इस वर्ष जुलाई में भारतीय न्याय संहिता को लागू करने में हमने औपनिवेशिक युग के एक और अवशेष को हटा दिया है। नई संहिता का उद्देश्य केवल दंड देने की बजाय अपराध पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। मैं इस बदलाव को स्वाधीनता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में देखती हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज के युवा हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी तक के अमृत काल को यानी आज से लगभग 1/4 सदी के कालखंड को स्वरूप प्रदान करेंगे। उनकी ऊर्जा और उत्साह के बल पर ही हमारा देश नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। युवाओं के मनोमस्तिष्क को विकसित करना तथा परंपरा एवं समकालीन ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ आयामों को ग्रहण करने वाले नई मानसिकता का निर्माण करना हमारी प्राथमिकता है। इस संदर्भ में वर्ष 2020 से लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणाम सामने आ रहे हैं। युवा प्रतिभा का समुचित उपयोग करने के लिए सरकार ने कौशल रोजगार तथा अन्य अवसरों को सुलभ बनाने के लिए पहल की है। रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के माध्यम से 5 वर्षों में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। सरकार की एक नई पहल से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा अग्रणी कंपनियों में इंटर्नशिप करेंगे। ये सभी कदम विकसित भारत के निर्माण में आधारभूत योगदान देंगे। भारत में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ज्ञान की खोज के साथ साथ मानवीयता पूर्ण प्रगति के साधन के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल एप्लीकेशन के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों का उपयोग अन्य देशों में टेम्पलेट के रूप में किया जा रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आप सभी के साथ में भी अगले साल होने वाले गगनयान मिशन के शुभारंभ की
उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। इस मिशन के तहत भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान में भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। खेल के जगत भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे देश ने पिछले दशक में बहुत प्रगति की है। सरकार ने खेल के बुनियादी ढांचे के विकास को समुचित प्राथमिकता दी है और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय दल ने अपना उत्कृष्ट प्रयास किया। मैं खिलाड़ियों की निष्ठा और परिश्रम की सराहना करती हूँ। उन्होंने युवाओं में प्रेरणा का संचार किया है। क्रिकेट में भारत ने T20 विश्व कप जीता, जिससे बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी आनंदित हुए। शतरंज में विलक्षण प्रतिभा वाले युवा खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है। इसे शतरंज में भारतीय युग का आरंभ माना जा रहा है। बैडमिंटन, टेनिस और अन्य खेलों में हमारे युवा खिलाड़ी विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं। उनकी उपलब्धियों ने अगले पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तत्पर है। इस उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर बधाई देती हूँ। मैं सेनाओं के उन बहादुर जवानों को विशेष बधाई देती हूँ जो अपनी जान का जोखिम उठाते हुए भी हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। मैं पुलिस और सुरक्षा बलों के कर्मियों को बधाई देती हूँ जो पूरे देश में सतर्कता बनाए रखते हैं। मैं न्यायपालिका और सिविल सेवाओं के सदस्यों के साथ साथ विदेशों में नियुक्त हमारे दूतावासों के कर्मियों को भी अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे प्रवासी समुदाय को भी मेरी शुभकामनाएं। आप सब हमारे परिवार का हिस्सा है। आपने अपने उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया है। आप सब विदेशों में भारत की संस्कृति और विरासत का गर्व के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार फिर मेरी ओर से सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।